सितंबर को जिला महिला अस्पताल में प्रसव के दौरान महिला की मौत हो गई। उसके बाद परिजनों ने आरोप लगाया कि ऑक्सीजन की कमी के कारण यह मौत हुई है और साथ में ही स्टाफ की लापरवाही के चलते यह मौत हुई है। लेकिन बता दें कि अस्पताल के सीएमएस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने बताया कि यह मौत अत्यधिक रक्तस्राव के कारण हुई है, जिसमें स्टाफ ने पूरी मेहनत की और महिला को बचाने के हर संभव प्रयास किया। वहीं पर पैसे के लेन देन पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इसकी जांच की जा रही है, यदि जो भी दोषी आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। आइए देखते हैं सरफराज अहमद की स्पेशल रिपोर्ट जीजेस न्यूज 24 पर। चौहान है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक चौहान है। कहाँ के रहने वाला है? मैं पाही जमीन पाही का रहने वाला हूँ। ये मेरी दीदी थी, इनका अभी सुबह में हम 12:30 बजे एडमिट करवाए थे। रश्मि सिन्हा मैडम जी ने बोला कि ऑपरेशन होगा, तो ऑपरेशन थिएटर में ले गई। 1:50 में उनका ऑपरेशन हुआ है। कैसे, क्या घटना हुई? घटना यही हुई है कि उसके बाद कुछ देर बाद उनको दर्द था, पूरा शरीर में दर्द उभरने लगा। फिर उसके बाद कोई स्टाफ नहीं था, कोई एकाक स्टाफ आए हैं जो वहाँ पर आए हैं तो कहते ऑक्सीजन लगाए, ऑक्सीजन भी तुरंत ख़त्म हो गया। कोई डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं थे, कोई भी नहीं था यहाँ पे। क्या पैसा वैसा भी मांगा? हाँ, यहाँ पे हमसे ये 4,000 रुपये 5,000 रुपये मांग रही थी। हम लोग के पास 4,000 रुपये था, तो 4,000 रुपये हमने दिया। क्या चाहते हैं आप लोग? हम न्याय चाहते हैं। किसके खिलाफ? डॉक्टर के खिलाफ? हाँ, डॉक्टर के खिलाफ। कोई डॉक्टर भी नहीं आया बाद में। सस्पेंड किया जाए, ऐसे डॉक्टरों की आवश्यकता कोई नहीं है। ये यहाँ पे मैं मेरी दीदी इतना दिल करा रही थी, सिर्फ स्टाफ थे, कोई डॉक्टर नहीं आया। हाँ, और ये रेफर कर रही थी दूसरे अस्पताल में, फिर आने के बाद कोई एक थी। ठीक होने के बाद पेशेंट का ऑपरेशन दोपहर में हुआ था, 2 बजे के आसपास। 3 बजे वो वार्ड में आई और ऑपरेशन के बाद करीब 5:30 बजे जब उसने कंप्लेन किया, उसकी जो भी तकलीफ घबराहट हो रही थी, तो जो हमारी ईएमओ ड्यूटी पर थी वो जाके अटेंड की मिलती है। और जो जो ट्रीटमेंट, इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो देना था वो सब हम लोग ने दिया। अब चूँकि मेरी पेशेंट ब्लीड चुकी थी, उसको ब्लीडिंग नहीं थी, पोस्ट ऑप ये कॉम्प्लिकेशन होता है, तो उसके कारण उसकी हालत थोड़ी सीरियस हो रही थी। तो जितना मैनेजमेंट यहाँ हो पाया हम लोग ने किया, और फर्दर मैनेजमेंट के लिए उसको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। रेफरेंस हमने बनाया 6:30 बजे, लेकिन मरीज हुई नहीं। वो जिद करने लगी कि हम अकेले नहीं कहीं जाएंगे और नहीं रहेंगे, और इस वजह से जो उसने समय गवाया, धीरे धीरे उसका कंडीशन और सीरियस होता गया। और फाइनली जब वो जाने के लिए, मतलब घर वाले भी सब बहुत बोलने के बाद, जब नीचे जब तक लाए वो लोग, तो उसी बीच में उसका डॉक्टर अब ये शिकायत अगर मेरे पास आती है तो मैं इसका इंक्वायरी कराऊंगी। ऑक्सीजन की दिक्कत की समस्या थी? ऑक्सीजन तो उसको लगा हुआ था, बता रहे नहीं। जब मरीज को शिफ्ट करना होता है एम्बुलेंस में, तो ऑक्सीजन हम लोग निकाल देते हैं। ऑक्सीजन एम्बुलेंस में सब रहता है, इसमें जाती है, तो वो उस तो प्रोसेस तो हम लोग कर ही रहे थे निकाल के ले जाने के लिए नीचे, लेकिन वो गई नहीं, उसमें लेट करने लगी, तो बाकी तो सब चल रहा था।